नोट्स वगैरह इतने नहीं हो गया अच्छे, थोड़ा सा तेरे को आंसर देना है क्लास में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक क्लासेस। और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की फिजिक्स। ये मैंने अपने एडवांस मार्क से रखे हैं। चलो क्लास 12वीं की फिजिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम शुरू करेंगे पहले चैप्टर से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्लास 12वीं के स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर है ना, अपने स्टार्टिंग के चैप्टर रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स पे। इलेक्ट्रोस्टैट मतलब स्टैटिक, जो चार्ज है वो स्टैटिक है, वो चार्ज मूव नहीं कर रहा, वो चार्ज हिल नहीं रहा। तो स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। इलेक्ट्रो और डायनेमिक्स, डायनेमिक चीज मतलब जो चीज मूव कर रही है ना, जो चीज हिल रही है चल रही है वो डायनेमिक है, और स्टैटिक मतलब जो चीज स्टेबल है एक जगह पे। तो स्टार्टिंग के जो अपने फर्स्ट दो चैप्टर रहते हैं ना, स्टार्टिंग के जो कक्षा 12वीं के फर्स्ट दो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैट्स के। उसके बाद ये दो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स के, उसके बाद तीन चार चैप्टर आते हैं हमारे इलेक्ट्रो डायनेमिक्स के। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म वगैरह, है ना। बाद में फिर मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स आ जाती है, ठीक है। तो जनरली ये हमारा सिलेबस रहता है। फिर सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं चार्ज, कि चार्ज है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और ऑब्जर्व कैसे किया था चार्ज को, कि चार्ज छोड़ता है। तो पुराने जमाने में लोगों ने क्या देखा कि उन्होंने ग्लास रोड वगैरह ली, या जो सिल्क के वो कपड़े पहनते थे, शौक तो था सजने धजने का, जो राजा महाराज होते थे, जो रानी होते थे, उनको शौक था ये स्टार्टिंग से कि वो सजरे सफरे, जो वो सिल्क के कपड़े पहनते थे ना, तो जब वो कपड़े निकाले अपने अंधेरे के टाइम में, तो वो ग्लो करते थे, कुछ स्पार्क सा बनता था, कुछ स्पार्क टाइप में बनता था। ऐसा कभी ऑब्जर्व किया कि सर्दियों के टाइम में आप किसी कंबल के अंदर लेटे हुए हो, और जैसे हम कंबल को गाड़ते हैं, सुबह उठते हैं कंबल को हटाते हैं, ऐसे हाथ से कंबल रब होता है, तो उसे कुछ चिंगारी से भी आते हैं और कुछ साउंड भी आता है। ये चीज करके देखना अगर नहीं देखी है तो। क्या करना, ये नॉर्मली टी शर्ट पहन लेना, कोई सिल्क की या नाइलॉन की, मतलब जो कपड़ा थोड़ा सा ऐसे चिकना टाइप में जो कपड़ा होता है वो वाला कपड़ा पहनना, और वो टी शर्ट अंधेरे में रूम में बिल्कुल अंधेरा करके शीशे के सामने वो टी शर्ट उतार के देखो, आपको पता चल जाएगा। वैसे स्पार्क टाइप में चिंगारी टाइप में कुछ जनरेट हुई। तो हमारी फिजिक्स की शुरुआत भी कुछ ऐसी हुई थी कि क्वेश्चन पूछने लगे लोग हर चीज पे, जो भी सराउंडिंग में जो भी नेचुरल फिनोमिना ऑब्जर्व किया उस पे क्या करने लगे, क्वेश्चन करने लगे कि भाई ये हो क्यों रहा है, ये जो भी चीज हो रही है इसके पीछे का रीजन क्या है, ये चीज क्यों हो रही है, इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो सभी ने अपनी अपनी कुछ कुछ थ्योरीज दी, ऐसे 50 लोगों ने कोई, किसी ने कुछ थ्योरी दी, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। बट आने वाले 10 साल बाद फिर लोगों ने ऑब्जर्व किया चीजों को, फिर थ्योरीज दी, ऐसे करते 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 फाइनली किसी बंदे ने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर डाटा कलेक्ट किया, फिर एक थ्योरी दी, और फिर कहा कि ऐसे अगर आप करोगे हमेशा तो ये वाली चीज होगी। जैसे कि न्यूटन की वो सेब गिरा सिर पर, उसने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो वो नीचे अर्थ पे जाके गिरेगा। तो फिर लोगों ने पहले ही सोचा नहीं था, पता था सबको ये अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे छोड़ेंगे तो वो नीचे जाके गिर रहा होता है, पता सबको था स्टार्टिंग में भी। बट न्यूटन ने क्या किया, उस चीज को प्रॉपर एक वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करना चाहा। और फिर रीजन क्या फाइंड आउट किया, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट वहां से निकल के आया, और वो फोर्स जो थी G m1 n2 / r², ये पढ़ा होगा सब तुमने, है ना। दो मास के बीच में इतनी फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, और ये पूरी की पूरी फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स है। अब यहाँ पे चार्ज की बात आती है, तो चार्ज थोड़ा सा हमें पता है कि दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सुना होगा अभी तक 10th में, थोड़ा बहुत तो था ही चार्ज के बारे में, लेकिन इतना सा इंट्रोडक्शन में पड़ा है कि कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं, ये क्यों होते हैं और ये कैसे आते हैं वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। ऐसे सिल्क वाले जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे क्या करके देखा कि मेटल रोड ली, उस पे सिल्क का कपड़ा रब किया,
और उसको ऐसे किसी को टच किया तो दो मेटल दो हमने ग्लास रोड लिए, मेटल रोड लो या फिर ग्लास रोड लिया हमने, तो ठीक है उनको क्या किया सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया, रब कर दिया कि सिल्क क्लॉथ से। आपकी स्टार्टिंग यहीं से होती है इस चैप्टर की, हम प्रॉपर एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, एनसीईआरटी क्योंकि बोर्ड हमारे हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम, आपको सीयूटी नहीं देना, लेकिन जो भी बच्चे देख रहे होंगे उन्हें सीयूटी भी देना होगा, उनका टारगेट सीयूटी भी होगा, तो हम एनसीईआरटी पे सीयूटी लेवल का पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो दो ग्लास रोड पे जब सिल्क क्लॉथ रब गया तो दोनों जो ग्लास रोड थे, जो दो ग्लास रोड है ऐसे इस टाइप में कुछ एक इस टाइप में है, जो दो ग्लास रोड है इन पे कुछ चार्ज आ गया, कुछ चीज आ गई, अभी हमें नहीं पता ये क्या थी, जब स्टार्टिंग में उन्होंने ऑब्जर्व किया तो पता नहीं क्या था, तो बाद में आज के दिन हमें पता है कि ये चार्ज है, बट स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं था। तो जब इनमें डिफरेंट टाइप का चार्ज आया तो इन्होंने हमने दो रोड को ऐसे रख दिया, या तो वो अट्रैक्ट कर रही थी या वो रिपेल कर रही थी, मतलब एक जगह स्टेबल नहीं थी, दोनों को पास में रखा। तो ये क्वेश्चन हुआ मन में, क्वेश्चन है कि यार कुछ तो हो रहा है इनके बीच में, है ना, कुछ तो हो रहा है इनके बीच में कि ऐसे पता नहीं ये या तो अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है। जब हमने क्लॉथ रब किया, अब जब उनको नॉर्मली रखा बहुत देर तक रख दिया, किसी कंडक्टर को टच कर दिया, उसके बाद उनको रखा तो वो नॉर्मल स्टेबल हो गई, क्यों, क्योंकि वो चार्ज सारा वहां पे चला गया, डिस्चार्ज हो गया वो बेसिकली, है ना, न्यूट्रल हो गया। इतना आपने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ऐसे सिल्क क्लॉथ वाला मैंने एग्जाम्पल दिया इस टाइप में, करते करते जो रानी थी, जो क्वींस थी, या फिर जो राजा महाराजा के टाइम में जो उनके घर में जो भी महिलाएं होती थी उनके पास एम्बर था। एम्बर क्या होता है, एम्बर ये मटेरियल है, ये एक्चुअली पेड़ों से एक रेजिन निकलता है, उसको ड्राई कर देते हैं तो वो ऐसे एम्बर उस मटेरियल को बोलते हैं, वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। तो क्या किया, एम्बर को अगर आप रब करते हो किसी से तो बेसिकली वो उसको चार्ज कर देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बात कही कि जब मैंने एम्बर रब कर रहा हूं तो कुछ एक फायर जनरेट कर रहा है, क्योंकि इसको स्पार्क दिखे, एक तो उसको दिखे स्पार्क, और उसने कह दिया कि वो एक फायर टाइप में कुछ जनरेट कर रहा है, ठीक है। और जब इस एम्बर को वो क्या करते थे, जो रानी होती थी ना, वो क्या करते थे इस एम्बर को ऐसे रब करके और ऐसे मेंढक को लगा देते, तो वो मेंढक उछल के गिरता। ये हमने भी ऑब्जर्व किया हुआ है कि कभी कभी हम ऐसे दरवाजे को छूते तो एकदम से करंट आता है, या एकदम एक कोई इंसान बैठा है बहुत देर तक ऐसे स्टेबल बैठा हुआ है, हम उसको टच करते हैं हमारी पोनी टच हो जाती है तो एकदम से करंट आता है, ये चीजें ऑब्जर्व की हुई है हमने। तो वो क्या करते थे ऐसे इस एम्बर को ऐसे रब करके और ऐसे मेंढक को टच करते, तो मेंढक जंप करता था, उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है, फिजिक्स क्या हो रही है, बट उनको ये करने में मजा आता था। बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने वो बात ऑब्जर्व की, उन्होंने कहा कि भैया एक कुछ फायर है, कुछ एक फायर है, मतलब एक लिक्विड फायर टाइप में कुछ है इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जिससे से रब करने पे वो फायर कुछ ट्रांसफर सी हो रही है, और उसने उस फ्लूइड को नाम दिया फायर फ्लूइड इस टाइप में कुछ, और कहा कि अगर ये फायर ज्यादा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट या ज्यादा फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, और अगर वो फायर कम है तो कम फोर्स और कम फोर्स से वो रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे को। वो फायर क्या थी, वो फायर चार्ज, वो बॉडी चार्ज हो गई, ठीक है। तो यहां से बस इसके बारे में, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हमारे स्टार्टिंग इंट्रोड्यूस करने के बाद एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का एक एक्सपेरिमेंट आता है, ये प्रूव करने के लिए कि सेम काइंड ऑफ चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। सेम टाइप के जो चार्ज होंगे ना, सेम काइंड ऑफ चार्ज रिपेल करते हैं दूसरे को, और ये हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से प्रूव किया। ये 1800 समथिंग में तब हुआ था, तो उस टाइम पे उस जमाने में लोगों ने इतना सोचा भी इसको प्रूव किया। प्रूव कैसे किया, देखो जब मैंने आपको बात बताया कि एक ग्लास रोड ली हमने, एक सिल्क का ऐसा कपड़ा लिया, ठीक है, एक सिल्क का कपड़ा लिया, इसके ऊपर ये रब कर दिया, रब करने के बाद क्या हुआ, या तो ये कुछ चार्ज हो गए, हमें नहीं पता क्या चार्ज हो गया, मान लो इसको ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है,
ये हुआ कैसे उस पर भी बात करेंगे, बट ये पॉजिटिवली से चार्ज हो गया और इसके अंदर ये अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ है कपड़े को छोड़ देते हैं एक बार, बस कपड़े को इसको रख किया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। अब दूसरी नोड में भी रख किया, दूसरी नोड में हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब इन दोनों नोड को पास लिंक करें तो ये लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेंड करेंगे, क्यों, क्योंकि सेम चार्ज है। अभी तक हमें पता नहीं था ये चार्ज क्या है, सेम है क्या है, ये इसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं। उसको प्रूव कैसे किया कि सेम काइंड ऑफ चार्ज रिपेल करेगा, उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिए, उन सबको चार्ज किया अपने जिस वे में वो चार्ज होते हैं, जैसे अपना प्लास्टिक का स्केल होता है, जो प्लास्टिक का जो स्केल होता है हमारा, इस टाइप में प्लास्टिक का जो स्केल होता है उसको हम ऐसे सर पे रब करके और फिर यूं छोटे छोटे पेपर के वो बना कैसे करते हैं, तो पेपर उसके चिपकने लग जाता है, उसके पास आने लग जाता है, वो पेपर डांस करने लग जाता है। ये चीज देखी हुई है हमने, ये चीज आपने देखी हुई है। तो अब वो होता क्या, एक्चुअली जब हम ऐसे रब करते हैं हीटर से तो वो चार्ज होता है वो प्लास्टिक, और छोटे छोटे जो पेपर है उसमें वो इंड्यूस कर देता है, ये पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होती है। तो ये क्या किया कि भाई ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लिया और उनको कैसे चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद क्या किया, ये चार्ज यहाँ पे इसको टच कर दिया, ठीक है, ये कंडक्टिंग बॉडी थी, इसको टच करने के बाद क्या बन गया, ये भी चार्ज हो गई, चार्ज इसमें ट्रांसफर हो गया, और नीचे ये गोल्ड फॉइल लगी हुई थी, गोल्ड फॉइल लगी हुई थी, ठीक है, दो ऐसे दो पत्तियां लगी हुई थी बीच में, वो स्टार्टिंग में चिपकी हुई है एक दूसरे के, जैसे ही हमने इसको टच किया ना, टच करके क्या हो गया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज थी। चार्ज यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि चार्ज एक चार्ज बॉडी को अगर किसी एक टाइप की बॉडी को टच करेंगे तो वो बॉडी में चार्ज हो जाएगी। किस टाइप की बॉडी होती है, बेसिकली कंडक्टर्स, इंसुलेटर चार्ज नहीं होंगे, कंडक्टर्स हो जाएंगे वो वाला, इस चीजें पढ़ेंगे। तो चार्ज बॉडी को एक टाइप की बॉडी को उसने टच किया, टच करने के बाद क्या देखा, जो नीचे गोल्ड लीफ थी ना स्टार्टिंग में ऐसी भिड़ी हुई थी, ये गोल्ड लीफ थी स्टार्टिंग में क्या थी, ऐसी भिड़ी हुई थी, जैसे टच किया गोल्ड लीफ ऐसे ओपन अप हो, क्यों होगी, क्या रीजन था इसका, कि यहां तक ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगी और ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगी और सेम काइंड ऑफ चार्ज रिपेल करते हैं, ठीक है बस। और अगर ये दोनों अभी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से ये प्रूव करते हैं कि सेम काइंड ऑफ चार्ज रिपेल करते हैं, ये मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी रिपेल होगा, नेगेटिव होगा तो भी होगा, क्या इसी यहीं पे यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम टाइप के चार्ज दे सकते हैं क्या इसको, नहीं सर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज होगी, जैसे ही नेगेटिव चार्ज बॉडी टच की तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां से भाग जाएगा, समझ आए। तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से हम क्या प्रूव करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, इसका सवाल आ जाए आपके बोर्ड्स में या फिर कहीं भी आपके, तो सिर्फ इससे ये प्रूव होते हैं कि सेम काइंड ऑफ चार्ज रिपेल्स ईच अदर, है ना, ये वाली चीज क्लियर होगी, इससे क्या प्रूव होता है, ठीक है भी? अब आगे बढ़ते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की तरफ, कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होता है और इंसुलेटर जो कंडक्टर, ठीक है। देखो जनरली ना 95% ऑब्जेक्ट इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कंडक्टर और इंसुलेटर में, एक तीसरे टाइप का भी होता है सेमीकंडक्टर हम पढ़ेंगे क्लास 12 में आएगा सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, बट ऐसे मान लो कि 99% ही होते हैं, तो अपन एक बार इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, कि दो टाइप के वो होते हैं भाई, सारे ऑब्जेक्ट्स दो काइंड के होते हैं, या तो वो कंडक्टर होते हैं या फिर वो इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर की खासियत क्या होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब सर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर्स एक कंडक्टिंग जैसे बॉडी है, इसके अंदर क्या होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन पता है सर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहर बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, है ना, जितने प्रोटॉन होते हैं काइंड ऑफ उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली यही होता है। तो सर ये इलेक्ट्रॉन और हर एक इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज होता है, ये भी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है और उतना ही चार्ज क्यों होता है, उसका रीजन भी देखेंगे। तो कंडक्टर्स के अंदर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, तो कंडक्टर्स की खास बात क्या है,
कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि उनके अंदर कंडक्टर्स के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नोट कर लिया थोड़ा थोड़ा, नोट्स खुद के बनाओगे ना वही बेटर रहेंगे, बाकी मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में नोट करते रहना। जैसे गोल्डन एक्सपेरिमेंट से हमने जो प्रूव किया, गोल्डन इलेक्ट्रोस्कोप से जो हमने प्रूव किया, उसके बाद कंडक्टर्स, कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, रीजन यही है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बस। और इंसुलेटर्स के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं। क्या अब कोई पूछ रहे इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये सवाल पक्की बात, कैसे होते हैं? देखो एग्जैक्टली यही है रीजन कि इंसुलेटर्स या कंडक्टर्स या कोई भी मैटर, कोई भी मैटर किससे बना है सर? हर एक मैटर बना है एटम से, मॉलिक्यूल से, है ना। अब उस एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब मैं पूछ रही हूं, आप सवाल की करेंगे हमें कि पानी के अंदर कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं कहेंगे सर पानी तो चार्ज ही नहीं है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसके अंदर प्रोटॉन ही नहीं है। उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री प्रोटॉन नहीं होंगे, ये हो सकता है कि किसी बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री प्रोटॉन ना हो, बट इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन तो होंगे, है ना, एटम्स के अंदर होते ही है। अब इंसुलेटर्स के अंदर क्या है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड, या तो वो ऐसे एटम्स के अंदर बाउंड होंगे या वो मॉलिक्यूल बना के बाउंड होंगे, है ना, या फिर किसी डिफरेंट वे में, बट वो बाउंड होंगे, वो फ्री घूम नहीं सकते ऐसे, ये फ्री में घूम लिया इधर उधर इधर उधर, वो नहीं कर सकते। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े, इसको इधर भेज दो कहीं भेज दो, ठीक है। अब एक और अच्छा सा पॉइंट आता है यहाँ पे कि ये जो मैंने बनाया है ना, एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, ये डायग्राम गलत है। एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूम रहे होंगे, उसके बीच में नहीं मिलेंगे किसी भी चार्ज्ड बॉडी। अगर ये चार्ज्ड है, ये मैंने कहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, बाकी सारे न्यूट्रॉन और सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने बैलेंस आउट कर दिए। अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्या है, वो बेसिकली ये कंडक्टर चार्ज्ड है, ये एक चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है। तो अगर ये बॉडी चार्ज्ड है तो इसका जितना भी चार्ज होगा ना, और ये कंडक्टर है, ये चार्ज बॉडी और ये कंडक्टर है, इसका जितना भी चार्ज होगा ना वो इसके सरफेस पे ही होगा। समझे, इसका चार्ज सारा सरफेस पे होगा, इसके अंदर चार्ज नहीं होगा कंडक्टर के अंदर। क्यों सर, इसका रीजन क्या है सर, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए अगर मान लो, मैंने मान लिया कि दो इलेक्ट्रॉन इस सेंटर में बैठे हुए हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज्ड बॉडी, ये चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी के सॉलिड बॉडी उसके अंदर बैठे हुए हैं। अगर ये अंदर बैठे हुए हैं तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेगा एक दूसरे को, ये चीज हमें पता है, ये चीज मैंने बता दी ना कि सेम काइंड ऑफ चार्जेस रिपेल करेंगे। तो बेसिकली पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये दोनों रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है दोनों। अब मैंने सेंटर पे रखे इनको, तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे, और कब तक रिपेल करेंगे, जब तक कर सकते हैं, जहां तक ये जा सकते हैं। तो ये चार्ज बॉडी में कहां तक स्टेबल हो सकते हैं जाने के लिए, तो ये सर सरफेस तक जा सकते हैं। क्यों, तो है नीचे छिटक के गिर गया एक इलेक्ट्रॉन, ये छिटक के तो गिरेगा नहीं एक इलेक्ट्रॉन। हाँ ये हो सकता है कि इस चार्ज बॉडी को मैं रब कर दूं, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, अब दो बॉडी ली मैंने उसमें से रब कर दिया, फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा हुई, हीट एनर्जी की वजह से क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर वाले एटम्स थे वो हीट अप हुए, वहां से फिर इलेक्ट्रॉन्स जंप करके नेक्स्ट ऑर्बिट में गए, बेसिकली वहां से इलेक्ट्रॉन छटक के दूसरे हाथ में आ गए, इन दोनों को ऐसे रब किया तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे आ गए। तो किसी भी बॉडी, कोई भी एक बॉडी ली, कोई भी बॉडी ली, उसको चार्ज कैसे करना होता है, किसी भी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं, यहां से सर इलेक्ट्रॉन उठाओ और इसको बाहर फेंक दो, इसके इलेक्ट्रॉन सक आउट कर लो कैसे ना कैसे करके, किसी भी मेथड से करो वो मेरे को नहीं पता,
बस इसके इलेक्ट्रॉन कुछ बाहर निकाल दो तो ये पॉजिटिव भी चार्ज हो जाएगी, इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे दो, इले इलेक्ट्रॉन कुछ रख तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना। तो हम बात कर रहे थे कंडक्टर होगा ना, सॉलिड कंडक्टर है ये, सॉलिड और ये कंडक्टर है, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो सारे सरफेस के ऊपर चार्ज सरफेस के ऊपर पार्टिकुलर हो गए। बोर्ड्स में सवाल आएगा क्या कि कंडक्टर इंसुलेटर का बेसिक डिफरेंस क्या है, कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम पाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली नहीं घूम पाते क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, इसमें फ्री होते हैं, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो नहीं करता। कुछ एग्जाम्पल में दे देना, मेटल जितने भी टाइप के हमारे धातु हैं, ये जो मेटल्स हैं, और इंसुलेटर का पोटरी, ये जो भी हम दे देते हैं सीमेंट इस टाइप में, ठीक है ये हो गया, क्लियर हो गया, कुछ डाउट है? ठीक है आगे बढ़ते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले आता है कि चार्ज ऐड करते हैं, सर ऐड हो जाते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल लिया मैंने कि जैसे एक नोटबुक लिख रही, ठीक है ये एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स के अंदर मैंने ऐसे कुछ चार्ज भर दिया प्लस टू, और चार्ज की यूनिट क्या है हमें पता नहीं अभी तक, तो अभी अपन मान लेते हैं कि प्लस टू कुछ चार्ज भर दिया, ऐसे प्लस थ्री चार्ज रख दिया अंदर, माइनस टू चार्ज रख दिया, माइनस वन चार्ज रख दिया, प्लस फाइव चार्ज रख दिया, ऐसे चार्ज रख दिया भाई एक डब्बे के अंदर हमने से चार्ज भर के रिव्यू रख दिया अलग अलग, ठीक है। अब क्या लिया कि इस चार्ज इस बॉक्स को ऐसे हिला दिया, डब्बा लिया और डब्बे के रिव्यू हिला दिया, ये नोटबुक के नोटबुक के ऊपर चार्ज रख दिया और नोटबुक को रिव्यू हिला दिया, ठीक है सारी बनने ऐसे पलट दिए, तो क्या हुआ तो होगा क्या सर, ये चार्ज अपने आप में लास्ट में बैलेंस आउट कर देगा और जो नेट चार्ज है ना वो कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे मास के नाइदर भी क्रिएटेड, ये चार्ज कंजर्व रहेगा। तो अगर मैं कहूं कि ऐसे मैंने कर दिया, पर अब ये छोटा सा सवाल निकले, छोटा सा क्वेश्चन समझने के लिए टॉपिक को, कि ये पांच तीन आठ दो दस और दस में से तीन गए सात, तो बेसिकली प्लस सात का चार्ज रहेगा यहाँ पे। अब मैं कह रही हूँ कि माइनस पचास का चार्ज हो गया एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर हो गया तेरा प्लस फाइव का ऐसे चार्ज, थर्ड जो है इससे कितना चार्ज हो गया बता सकते हैं? इसी को मैंने ऐसे शेक किया और फिर ऐसे मैंने देखा, मेरे पास ऐसे जादुई शक्ति थी, मैं देख सकता था बोर्ड के अंदर, मतलब ये बॉक्स एक बॉक्स बना दी भाई, मेरे पास जादुई शक्ति थी, मैंने क्या किया मैं बॉक्स के अंदर जाके देखा, मेरे को ऐसे छोटे छोटे गोले दिखे, ऐसे चार्ज उड़ता हुआ दिखा, ये पहले चार्ज में कुछ मैंने भी इससे पूछा कि भैया कितना चार्ज है तेरे ऊपर, ये कहता सर मेरे ऊपर तो प्लस टू है, फिर मैंने इसको बोला कि तू बता कितना चार्ज है तेरे ऊपर, ये कहता मेरे ऊपर प्लस थ्री है, मैं कहता तू बता, बोला सर प्लस फाइव है, इन दोनों से पूछे कहते सर माइनस टू है माइनस वन ही है, अब हिला दिया मैंने, उसके बाद ये चार्ज प्रोटीन का क्या है, ये बोला कि सर मेरे ऊपर माइनस फिफ्टी चार्ज है, दूसरे ने पूछा सर मेरे पास प्लस फाइव चार्ज है, जब मैंने तीसरे से पूछा मेरे को तीन ऐसे दिखे, तीन ऐसे सर्कल से दिखे, तीन स्फेरिकल को ऐसे बोल हवा उड़ती हुई दिखी, तीन बबल्स ऐसे उड़ते हुए दिखा, मैंने तीसरे से पूछा कि तो बता तेरे पास कितना चार्ज है, तो क्या बताएगा कितना चार्ज है उसके पास, कितना है प्लस फिफ्टी टू या माइनस फिफ्टी, प्लस फिफ्टी टू इसके ऊपर चार्ज, सर ये कैसे निकाला सर, क्योंकि सर हम पहले इसका चार्ज नेट कैलकुलेट कर लेंगे कि नेट चार्ज कितना है, जितना इसका नेट चार्ज होगा ना उतना ही उसका नेट चार्ज होगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जाए थोड़ा सा गंदी फॉर्म में बना, ये तो आसान एग्जांपल है बिल्कुल, इसको थोड़ी गंदी फॉर्म में बना के देते कि यहाँ पे इतना चार्ज था उतना चार्ज था, उसके बाद एक और बॉक्स है इसके अंदर इतना चार्ज है उतना चार्ज है, इससे निकाल लिया चार्ज, इस बॉक्स के अंदर इतना चार्ज है, ये सर पर मैंने ये बोर्ड मैंने बाहर निकाल ली तो ये कितनी चार्ज होगी, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे कैसे करेंगे सर, ये फाइव प्लस थ्री प्लस टू, पांच तीन आठ और दो दस, प्लस दस तो ये हो गया और उसमें से तीन माइनस, बेसिकली इस बोर्ड के इस बॉक्स के ऊपर प्लस सेवन का टोटल चार्ज क्या है, ये टोटल चार्ज है सर प्लस सेवन का,
अब जब मैंने इसको लाया, बाकी जो चार्ज देखे, तो इस बॉक्स में भी टोटल जो चार्ज होगा ना वो प्लस 7 का ही होगा सर। अंटिल मैंने इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया, इसको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं सप्लाई नहीं किया, है ना, ये इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर है, ये चीज ऑलरेडी अंडरस्टूड है ना। तो -50 एक गोले के अंदर चार्ज था सर, दूसरा चार्ज था +5, तो तीसरा +52 होना ही पड़ेगा सर, तभी आगे जाके +52 से कट जाएगा, तब 2 बचेगा और 5 के 5 + 2 = 7, तभी जाके +7 का चार्ज बचेगा। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या आएगा, ये तो हो गया हमारा चार्ज कंजर्वेशन। एडिटिविटी में क्या आएगा कि चार्जेस ऐसे ऐड हो जाएंगे सर, कि +5 का चार्ज पड़े उस पे माइनस, एक बॉडी लिया हमने, दोबारा एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स को मैंने से चार्ज दे दिया +5 का, फिर दे दिया -2 का, फिर +3 का, -2, ऐसे अलग अलग टाइप के से चार्ज में देता रहा। आखिर में देखा इसका ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट था मेरे पास, उसे चार्ज चेक किया कितना चार्ज है, तो जितना भी मैंने इसको चार्ज दिया ना डिफरेंट फॉर्म में, मान लो इसको मैंने से चार्ज दिया +5, फिर -2 का दिया, फिर +5 दोबारा, फिर -2, फिर -7, -8, +12, इस टाइम में इसको चार्ज देता रहा डिफरेंट है। तो लास्ट में मैंने मेरे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट था जिससे मैंने चार्ज चेक कर लिया, इसको टच किया, तो बता भाई क्या रीडिंग है, कितना चार्ज है तेरे पास, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग नहीं देगा कि +5 का है -2 का है, +5 का है -2 का है, इतना इतना ना, वो नेट चार्ज कितना है वो बता देगा। जो भी है इसमें 5, 5, 10 और ये 4 गए 6, और 6 को इससे काट दे -2, -9 और 3। बेसिकली वो जब मैंने इसको फाइनली इंस्ट्रूमेंट से देखा तो इसने कहा क्या, उसने रीडिंग दी कि +3 का उसके ऊपर चार्ज है, तो बेसिकली चार्ज एड हो जाते हैं। अब सर चार्ज ये तो +5, -2 की है, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, एक्चुअली इसको ऐड ही कर रहे हैं, ये मैं कर देता हूँ, ऐड कैसे कर रहे हैं, ऐड कैसे कर रहे हैं इसको, कि जो हमारी पहला एक ही बॉडी है इसमें +5 चार्ज दे, इसका मतलब क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालती है मैंने बाहर। पॉजिटिव चार्ज कैसे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन पकड़ के से बाहर निकालती है, और वो नेगेटिव चार्ज कैसे किया उसको -2 को, इसमें दो इलेक्ट्रॉन पकड़ के इसके अंदर ऐसे ए, दो इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने इसको, इसलिए अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही नेगेटिव होता है, जो हमने कन्वेंशन माना रखा इलेक्ट्रॉन को चार्ज को नेगेटिव दिया है तभी जाके प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव हुआ, जब स्टार्टिंग में कन्वेंशन बनाया तो हो सकता था कि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव दे देते, कुछ भी कर सकते थे, बट ये पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज एंटी होते हैं एक दूसरे के, है ना, इलेक्ट्रॉन भी कितना चार्ज होता है, तो ये था कि भाई चार्ज है ना हमेशा कंजर्व रहते हैं, चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बट कभी कभी पता क्या होता है, एक न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन टूट जाता है, बट जब ये टूटता है तो एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन भी टूटता है, ठीक, ये चीज पता थी कि न्यूट्रॉन जब कभी कभी टूट जाता है हमारा, और वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर टूटता है, स्टिल नया चार्ज नहीं क्रिएट हुआ है। चार्ज मान लो अर्थ के ऊपर, मान लिया किसी प्लेनेट के ऊपर, एक इमेजिनरी प्लेनेट के ऊपर मान लिया कि +10 का कुछ चार्ज है, तो हमेशा वो चार्ज +10 का ही रहेगा। जब हमने नया चार्ज इन्वेंट करने की कोशिश की न्यूट्रॉन को तोड़ के, तो एक प्रोटॉन आया एक इलेक्ट्रॉन आया, इन दोनों का चार्ज कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट चार्ज तो कंजर्व ही रहा हमेशा। ऐसे ही किसी भी बॉडी का नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा अंटिल अनलेस उसको डिस्चार्ज ना किया जाए, या फिर उस पर एडिशनल चार्जेस सप्लाई ना किया जाए, ठीक है। चलो अब थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये कि कोई भी बॉडी जो चार्ज होगी ना उस पर नेट चार्ज n टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता। अब ये n बिलोंग्स टू इंटीजर है, n कुछ भी इंटीजर हो सकता है, तो n जीरो है उस बॉडी को चार्ज नहीं थी, n नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है जो भी, तो किसी भी बॉडी पे चार्ज ऐसे ही होगा n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन,
अब यहां से सवाल भी बनते हैं बोर्ड्स में भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी, लेकिन इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि ऐसा डिस्कवर कैसे किया स्टार्टिंग में, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज को पता कैसे लगाया, पर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹, ये कैसे डिस्कवर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना ही चार्ज होगा। और ये भी सवाल आता है, सवाल बहुत सारे हैं कि सर ये क्यों होते हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन पे इतने चार्ज क्यों होते हैं, फिर एक कूलम्ब है तो एक कूलम्ब भी क्या होता है, एक कूलम्ब घूमता क्या है ना, ये क्वेश्चन से दिमाग में आते हैं कि एक रटने के लिए और मुड़ने के लिए, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि एक कूलम्ब की, कूलम्ब की डेफिनेशन हम आगे बढ़ेंगे कि एक एम्पेयर का करंट जब एक वायर से गुजर रहा होता है तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर देते हैं, वहां से कूलम्ब आया था चार्ज। अब फिर एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम्ब क्यों होते हैं, ये देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1912 में, रॉबर्ट मिलिगन ने किया 1912 में, ये काम की इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसने किया क्यों किया, रॉबर्ट मिलिगन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया था फॉयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा था भाई, फॉयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब फॉयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने, दो ऐसे प्लेट ली, ठीक है, दो कंडक्टिंग ऐसे प्लेट ली, उनपे उनके अक्रॉस एक वोल्टेज उसे सप्लाई किया। अब उसके बीच में से क्या किया, छोटी छोटी ऑयल ड्रॉप्स को गिराया, और बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज की, बहुत छोटी सी, जैसे टाइनी टाइनी 25 मिनट, छोटी 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 बहुत छोटी ऑयल ड्रॉप्स को उसने दो ऐसे प्लेट्स के बीच में गिराया, और जब उस पर वोल्टेज सप्लाई किया, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सप्लाई रखी उसने, तो ये ऑयल ड्रॉप्स बीच में तैरने लगती, बीच में फ्लोट करने लगती, ठीक है। तो फिर वोल्टेज से उसने पता कर लिया कि इसने इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज दे रखी थी, कितनी बिजली इसने दे रखी थी, आसान लैंग्वेज में समझे कि इसने कुछ बिजली ऐसे दी यहाँ पे, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आया, वोल्टेज जनरेट हुआ, और बीच में जो ऑयल ड्रॉप नहीं तैरने लगती। फिर इसने देखा कि इन ऑयल ड्रॉप्स पे चार्ज कितना है, और जब वो चार्ज उसने निकाला ना सारी ऑयल ड्रॉप्स पे, तो क्या निकला कि वो सारा का सारा चार्ज, डिफरेंट डिफरेंट ऑयल ड्रॉप्स में जो चार्ज था वो इंटीग्रल मल्टीपल था एक किसी नंबर का, यहाँ पे एक नंबर ले गया, ये कोई एक नंबर था उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही था। मान लो जैसे कि या तो वो एक यूनिट था, इसको एक यूनिट बोल देते हैं, इस नंबर को एक यूनिट बोल देते हैं, या तो वो एक यूनिट था, या वो दो यूनिट था, या वो तीन यूनिट था, या वो चार यूनिट या पांच यूनिट, इस टाइप में था, यूं नहीं था कि वो 1.5 यूनिट्स आ जाए, समझ रहे। तो उसने ये चीज बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया और सब में ये चीज कॉमन ली, यार ये जो जितना भी चार्ज हमारा आ रहा है ना हमेशा, वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। इस नंबर को हमने नाम दिया फंडामेंटल चार्ज, और ये फंडामेंटल चार्ज क्या है, ये फंडामेंटल चार्ज है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इसने ये यहां से फिर जनरेट हुआ हमारा स्टार्टिंग में कि पोलराइजेशन ऑफ चार्ज की, चार्ज हमेशा इसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, जो प्री चार्ज होता है वो, अब ऐसे पता चले कि हमारे क्वार्ट्स वगैरह में होते हैं क्वार्ट्स, उसके अंदर ना e/3 चार्ज होता है, या फिर 2e/3 भी चार्ज होता है, उसके अंदर तीन क्वार्ट्स होते हैं, प्रोटोन और न्यूट्रॉन भी जब अंदर जाते हैं तो, और उससे ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं, बट ये फ्री चार्ज नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, समझ आ गया। तो हमेशा फ्री चार्ज जो भी होगा वो इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। सो बेसिकली कोई भी दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो उठ के आ जाए, मान लो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज दिया, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब सवाल किस साइड पे पूछ लेगा, उसने कहा कि क्वेश्चन की साइड में पूछ लेगा कि एक बॉडी के ऊपर
एक बॉडी के ऊपर इतना चार्ज है, क्या ये पॉसिबल है? एक ये इसे एक बॉडी दी, इतना कूलम चार्ज ऑन कुछ भी ले, ऑन अ पेन, ये पेन ले रहे हैं ठीक है। तो ये सवाल ऐसे करते इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक नंबर दे दिया और कहेगा कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है, तो कैसे चेक करेंगे ये पॉसिबल है नहीं है कि किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है नहीं हो सकता, कैसे चेक करेंगे? सर हमें पता है ये जो चार्ज होगा ना, ये जो भी चार्ज आपने लिखा है, जितना भी चार्ज आपने सवाल में दिया होगा, वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इस चीज के बारे में हमें नॉलेज है। तो क्या होगा भाई, ये चीज नोट कर लेना, फंडामेंटल चार्ज वन इलेक्ट्रॉन का होता है। सर आपने जो भी नंबर लिखा है 3.2 × 10⁻², ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका, n टाइम्स 1.6 × 10⁻¹⁸ का। इसको सॉल्व करके देख लेंगे, अगर ये 10⁻¹⁹ इसको सॉल्व करके देख लेंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर n एक इंटीजर आ रहा है तो है, n इंटीजर नहीं आ रहा तो नहीं है, इस केस में है? कैसे है? -19 से कट गया तो 10⁻¹ आ गया ना, और 1.6 से कट गया तो 2 × 10⁻¹ 2/10.2 समझ गए। ये मैंने इसीलिए दिया था कि 1.6 से 3.2 काट दे, और लोग जनरली यहाँ ये गलती करते थे 2 × 10⁻¹ लिख देते, 6000 इंटीजर है सर, इंटीजर है सर, दिख गया सर, इस सिस्टम को ध्यान रखना है, पावर नेगेटिव में है वो डिवाइड होगा वो पॉइंट में ठीक है। एग्जामिनर कैसे फंसा सकते हैं, ये आसान सवाल पूछेगा, फंसाएगा कैसे कैसे, एक गलती जो मैंने बता दी बस ऐसे ही फंस सकते हो, और कुछ नहीं। किसको बहुत सिंपल सा देते, आप देखते ही कर दो, अच्छा आ गया, 6.116 से डिवाइड होता है खत्म होता है। बाकी और थोड़ा मुश्किल से सवाल कैसे देते हैं, ये मतलब डिफरेंट टाइप का मुश्किल क्या देगा, एक डिफरेंट टाइप का सवाल कैसे बनेगा, ऐसे कुछ भी दे दिया 16 की टेबल में 32 48 64 16 85 8 आता है, तो ऐसे 0.8 दे देगा, 0.8 × 10⁻¹ ये -18 दे दिया, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है या नहीं है? कैसे है सर, 10⁻¹⁹ इसको करेंगे ना तो ये 8 बन जाएगा यहाँ पे, है ना, ये 8 बन जाएगा, और 1.648 से हमारे लेवल पे उसमें ये पूछेगा, उसमें आपको हाँ करके आना कि हाँ चार्ज हो सकते हैं क्योंकि 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड हो जाता है, ये चीज समझ आई पोटेंशियल ऑफ चार्ज में। अब ये मिलिकन जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें से डिफरेंट डिफरेंट ऑयल की लेयर्स हुई थी, ये आप पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर, तो उसमें आपको बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये कैसे हुआ था, बट इसकी वजह से ये वाला चीज प्रूव हुई थी कि क्यू इक्वल्स टू एन नहीं, हमेशा एक नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल था, वो नंबर हमने दिया फंडामेंटल चार्ज जो था चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल की तरफ, सवाल करने से पहले हमें चीज को देख लेते हैं, वो है चार्ज और मास, इनके बीच में ना कुछ कुछ रिलेशन है। सबसे पहला जो रिलेशन आता है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में जो चार्ज के बीच में फोर्स कितनी लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, तब वो आपको फॉर्मूला भी दिखेगा, बट मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो मास के बीच में सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही लगती है, इसको मैं पॉजिटिव फोर्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पॉजिटिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ही लगती है, और मास सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, ऐसे कुछ नहीं कि नेगेटिव मास है कुछ, ये नेगेटिव मास मिला है पॉजिटिव मास मिला है इनको मिला दिया बूम, ठीक है। मैटर एंटी मैटर होते हैं हायर फिजिक्स में है, बट अभी के लिए क्लास ट्वेल्थ के लिए हमारे पास कोई नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ एंटीमैटर का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक है नहीं हमारे लिए,
तो क्या होगा कि मास हमेशा एक पॉजिटिव होगा, बट चार्ज दो टाइप के ऐसे, पॉजिटिव और नेगेटिव। मास भी कंजर्व्ड है और चार्ज भी, ये दोनों कंजर्व्ड है, सेम फॉर दिस, ये भी कंजर्व्ड है। अब मास के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ये मास स्पीड के साथ चेंज होता है। मास एक मूविंग बॉडी का ऐसे पावर है तो उसका मास चेंज हो जाता है, बट मूविंग चार्ज का चार्ज चेंज नहीं होता। ये इक्वेशन पढ़िए, इलेवेंथ में ये इक्वेशन क्या ट्वेल्थ में भी पढ़िए, ये क्या होता है हमारा रेस्ट मास, ये मास ऑफ द बॉडी, जब वो रेस्ट पे हुई तो उसका मास कितना है, और जनरली उसका मास, उसका एक्चुअल मास जो होगा, ये उसका एक्चुअल मास होगा, और बी सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों की क्या कहती है कि अगर कोई बॉडी भाग रही होगी ना तो उसका मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या होगा देखते ही बता दो। अगर मैंने किसी को वेलोसिटी दी, अगर मैं भागने लग गया, मैं मान के यूसेन बोल्ट में भागने लग गया, तो मेरी स्पीड, मेरी कुछ वेलोसिटी होगी, और ये बी स्क्वायर है तो मतलब ये वाली टर्म होगी हमारी पॉजिटिव, ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव होगी हमेशा, नीचे भी सी स्क्वायर है तो बेसिकली पूरी टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से तेज नहीं हो सकती, ये हमारे आइंस्टाइन भैया ने कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से तेज नहीं हो सकती, ये कॉन्स्टेंट है आज तक की फिजिक्स में, अभी तक हम यही पढ़ते हैं, बाकी किसी ने डिस्कवर कर लिया अलग बात है, बट अभी तक हम यही हमने पढ़ा है, ऑब्जर्व किया है, ये चीज मान के चलते हैं कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो और किसी भी चीज की स्पीड लाइट से तेज नहीं हो सकती, तो बेसिकली बी बाय सी का होल स्क्वायर, बी बाय सी का होल स्क्वायर, ये पूरा नंबर वन से छोटा होगा हमेशा, क्योंकि बी सी से बड़ी हो नहीं सकती, तो बेसिकली न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से हमेशा, तो पूरा नंबर वन से छोटा होगा तो उसका स्क्वायर भी वन से छोटा होगा। अब वन से छोटे नंबर को वन में से माइनस करेंगे तो ये पूरा नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये नंबर वन से भी छोटा होगा, ये पूरा नंबर वन से छोटा होगा, कैसे, ये पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर को वन में से माइनस किया तो एक पॉजिटिव नंबर है, वन में से कुछ पॉजिटिव चीज को माइनस करेगा तो 0.98 समथिंग, 0.9 ऐसे कुछ आएगा, वन से छोटा आएगा, वन से छोटा आएगा, उसका रूट ले लेंगे वो भी वन से छोटा ही रहेगा, और किसी भी वन, किसी भी नंबर को वन से छोटे नंबर से डिवाइड करेगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा फाइनल। तो बेसिकली मूविंग बॉडी का मास बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब बात पता ही क्या आती है कि हमने 11th क्लास में ये इस पे ज्यादा गौर क्यों नहीं करते, 11th क्लास में काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं है ना, वहां पे हम इस पे इतना ध्यान नहीं देते होते, क्यों, क्योंकि जो बड़ी बॉडीज है ना उनकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड, ये होती है लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, और हमारी कितनी वेलोसिटी हो सकती है, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 1000 भी मान ली, उसके कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है। सो बेसिकली पूरी टर्म जीरो जाती है, अप्रोक टेंड्स टू जीरो जाती है, इसलिए जो मास है ना वो वेलोसिटी के साथ कॉन्स्टेंट ही मानते हैं बड़ी बॉडीज का जो मास है। बट यहाँ पे बात आ गई है चार्ज, चार्ज तो भाई बहुत स्पीड से होते हैं, बहुत स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इनफैक्ट 10⁵ से लेके अप्रोक्सीमेटली बीटा पार्टिकल्स और कुछ पार्टिकल्स का 10⁶ मीटर/सेकंड इस रेंज में भी रहते हैं, तो यहाँ तो सर मास की दिक्कत रहेंगे, इसलिए मतलब हम सब यहाँ पे जल्दी हम पढ़ेंगे इतना काम भी रहेगा, बट ये डिफरेंस है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज को किसी स्पीड के साथ बता दो चार्ज भाग देगा, बट चार्ज अकेला ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, चार्ज हमेशा
किसी मास के ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा। चार्ज यूं ये कि अगर हवा में चार्ज घूम रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूँ भाई तो ऐसे हवा में कैसे घूम रहे हैं, वो कहेंगे कि सर मैं हवा में नहीं घूम रहा, मैं किसी एयर मॉलिक्यूल के चिपका हुआ हूँ। इंडिपेंडेंट कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी, है ना, किसी मास के ऊपर ही हुआ, ठीक है ये ना। और मास हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मास हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, मास हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, दो बॉडीज हमेशा अट्रैक्ट करेंगी। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, चार्ज अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, सेम काइंड ऑफ, ठीक है। अगला एक सवाल करते हैं फटाफट, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि इफ 10^9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी से बाहर निकल रहे हैं दूसरी बॉडी में जा रहे हैं हर सेकंड, तो कितना टाइम लगेगा एक कूलम चार्ज को दूसरी बॉडी में जाने के, बताओ कैसे निकालेंगे, सॉल्व करो भाई। एक बॉडी है इससे 10^-9 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड एवरी सेकंड ऐसे बाहर निकाले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल बाहर निकल निकल बाहर और दूसरी बॉडी के ऊपर ऐसे डाले जा रहे हैं, ये दूसरी बॉडी होगी इसके ऊपर, ये कह रहे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मेरे पास, अभी कहेगा कि मेरे पास एक कूलम का चार्ज कितनी देर में पहुंच जाएगा वो मैं निकाल लें, समझ आ गया। कैसे सॉल्व करेंगे है कुछ आइडिया, ट्राई करेंगे कैसे होगा, देखिए 1.6 × 10^-1 ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकाल देंगे, जो बहुत आसान सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन का कितने कूलम चार्ज है, अब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे निकालेंगे, 1/ इससे डिवाइड कर देंगे, कर डिवाइड करेंगे 1/1.6 × 10^-19 ऊपर चला जाएगा, ये 10^18 बन जाएगा, 10 × 10^18 बन गया, इतनी चीज आगे समझ। अब इसको 10^1.6 से डिवाइड कर दे कैसे करेगा सर, 100 ऊपर ही 100 लिखेंगे, ये पॉइंट ऊपर देंगे गायब, तो ये 100/16 हो गया, ये हम कर सकते हैं 16 32 16 43 16 64 16 85 80 16 96 96, तो सर ये 6.40 बच गया, 16 32 80 16 85, तो ये 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन आके सर एक कूलम्ब में, ये भी हमें याद रखनी है चीज, एक कूलम्ब के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ये अप्रोक्सीमेट नंबर है बट हम कैलकुलेशन के लिए ये यूज करते हैं 6.25, एक्चुअल नंबर आते हैं 6.2410 समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है, बट ताकि हमारी कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाए इसलिए क्लास 12th के लेवल तक ये यूज करते हैं, एक कूलम में इतना, तो एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, बस अब बस हर एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, तो कितना टाइम लग जाएगा निकाल कैसे निकालेंगे, एक वही बात है ना कि सर कितनी ईंट है तेरे पास, क्या है इतनी सारी ईंट है और हमें मजदूर मजदूर आदमी को क्या कर रहे हैं, इतनी ईंट है उनमें से उठा के ईंट यहां रखनी है, एक एक ईंट उठा के इतनी यहां रखनी है, टोटल ईंट के ऊपर इतना चार्ज है, टोटल चार्ज इतना हमें नहीं पता टोटल ईंटें कितनी है, हमें वही निकालना है, और एक ईंट के ऊपर इतना चार्ज है उसको उठा उठा के फेंक रहे हैं, तो कितना टाइम लग जाएगा हमें इस टोटल इतने चार्ज को वहां फेंकने में, वो डिवाइड कर देंगे बस, कैसे करेंगे अभी सवाल आ गया सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमने निकाल लिया सर टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चार्ज वन कूलम दे रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, वहां से हमने निकाल लिया ये हुए सर 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन हुए सर, अब क्या किया एवरी सेकंड 10^19 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सर, तो क्या लिखेंगे इन वन सेकंड
इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं कितने 10^9 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उसको कितना टाइम लगेगा सर, इस 6 को डिवाइड करते हैं तो 6.25 10^18 से 10^9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.25 इनटू 10^9 सेकंड्स। सॉल्व करो इसको, अब इसको सालों में और महीनों में इन सब में कन्वर्ट कर, सेकंड्स को आगे कन्वर्ट करके देख क्या आता है, कितने सेकंड लगेंगे। अब इस सेकंड के को आगे यूनिट में फर्दर बड़ी यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करो और फिर देखना 6.25 इंटू 10^9 इसको मैं 60 से डिवाइड करूंगा, कितने सेकंड है तो इतने मिनट होगी, 60 से डिवाइड कितने मिनट होगी। अब क्या करूंगा फिर किससे डिवाइड करूं, 60 से क्यों करूंगा 1 आवर हो जाएगा, अब किससे डिवाइड करूंगा 24 से, ये क्या हो गया 1 डे हो गया, बस इतने डेज निकल रहे हैं से, या इयर्स में बात करें देखेंगे इयर्स आएगा तो 365 से डिवाइड कर देंगे इयर्स निकल जाएगा, कितने साल लगेंगे। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। देखो 6 ऊपर गया 625 और 6.25 डिवाइड बाय 60 बाय 60 बाय 24 बाय 365 1.98 इंटू 10^-7 इंटू 10^-9 है, सो बेसिकली 198 ईयर्स आ गया। समझ पा रहे हैं कि एक कूलम चार्ज निकालने पे इतने इलेक्ट्रॉन तो हम हर सेकंड निकाल रहे हैं, 10^9 कितना बड़ा नंबर है, कितने इलेक्ट्रॉन हम हर सेकंड निकाल रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक कूलम चार्ज निकालने में कितना बड़ा टाइम लग गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर 1 कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है, समझ आया, 1 कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है, जनरली हम माइक्रो या मिली कूलम में ही बात करते हैं। चलो समझ आया, इससे फील भी हो गया एक कूलम कितना बड़ा होता है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन लगेंगे, ये नंबर का फील हुआ, इलेक्ट्रॉन में 6.25 10^18 इतने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक कूलम चार्ज के, फील आई नंबर के, या उसे देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन अगर हर सेकंड निकाल रहा हूँ तो भी मेरे को 198 से करके। चलो अब ये वाला सवाल है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस देयर इन अ कप ऑफ वाटर, ये आपका एग्जांपल 2 है, एक पानी के कप में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा कैसे पता करेंगे, आइडिया है कुछ, कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा इसको कैसे पता करते हैं। देखो पहले भी मान लो कुछ भी अस्यूम कर लो, एक पानी के कप में कितना पानी है, मान लिया सर 100 ग्राम लग रहा है मेरे को, 200 ग्राम 250 ग्राम 300 500 ग्राम कुछ भी मान लो, एक कप में मान लिया हमने 100 ग्राम पानी है, ये लिखना पड़ेगा आपको, अगर ये सवाल आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने माना 100 ग्राम पानी है, क्योंकि पानी का डिफरेंट होगा चार्ज भी डिफरेंट होगा ना, मैंने माना 100 ग्राम पानी है। अब वोटर का मोलिकुलर वेट कितना होते हैं, 18 होता है सर, इसका मतलब क्या है कि 18 ग्राम पानी में 1 मोल है ना, तो सर 100/18 करेंगे कितने मोल है, ये क्या है कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, अब हर एक मोल के अंदर कितने मोलिकुल्स होते हैं 6.02 × 10^23 कैसे कुछ होता है क्या, यही नंबर है, 1 मोल के अंदर कितने मोलिकुल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, अब टोटल इतने मॉलिक्यूल्स हो गए पानी के, अब हर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना चार्ज है, हर मॉलिक्यूल के अंदर हर एक पानी के मॉलिक्यूल के अंदर कितना चार्ज है सर, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, नेट चार्ज न्यूट्रल है बट हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव पूछे ना उसने, तो बेसिकली जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, ये चीज पता है, अरे 8 ऑक्सीजन के अंदर एक एक हाइड्रोजन के अंदर है ना, 8 ऑक्सीजन के अंदर एक एक हाइड्रोजन के अंदर है, तो बेसिकली 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो किसी का भी निकाल, जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन हो जाएंगे,
तो सर इतने मोल थे, इतने मोल को मोलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया, एक मोल में इतने मोलिक्यूल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल निकल गए हमारे एक कप पानी में, टोटल नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल निकल गए, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या किया, एक मोलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है, सॉल्व करने लगे भी पहले बच्चे, अरे समझ में आ गया क्या, क्लियर हो गई, चलो ठीक है भाई, आज तक की हमारी कक्षा यही पे रही थी, नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, चार्ज के बीच में फोर्सेस के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में क्या होता है, उसके बाद फिर आगे हम पोटेंशियल इन सब पे जाएंगे, ठीक है, समझ आ गया, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।